हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग समझेंगे इस फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या चीज होती है? देखो, यहाँ पे हम कोई इनपुट दें, एक फंक्शन हमें दिया होगा। फंक्शन क्या होगा उसे समझेंगे। देखो, समझने के लिए देखो, समझो एक बार। मान लो कि ये कोई फंक्शन है, यहाँ पे हम एक्स का इनपुट देंगे इसे, तो हमें आउटपुट में वाई मिलेगा। ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जो भी होगी, कोई भी फंक्शन यहाँ पे होगा, कोई भी वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो अपने आप में कुछ चेंजेस करेगा इस फंक्शन के हिसाब से और आउटपुट देगा हमें। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। कैसे समझेंगे? अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अब इस ब्लॉक के अंदर अगर साइन एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स की वैल्यू पे साइन के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ से इनपुट हम एक्स देंगे, एक्स की अलग अलग वैल्यू देंगे, कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स की, यहाँ पे देंगे। अगर इस एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स के बराबर है तो ये इसके हिसाब से आउटपुट हमें दे देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आएगा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, विच इज अवर फंक्शन। इसी तरह से फंक्शन की वैल्यू कोई और भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो एफ एक्स की वैल्यू इस तरह से भी हो सकती है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे इनपुट अगर एक्स डालेंगे तो अलग अलग वैल्यू पे इनपुट की अलग अलग हमें आउटपुट मिलेगा। ये जो एफ एक्स होता है इसको हम आउटपुट के लिए y लिखेंगे, तो हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। और एफ एक्स हमारा जो इस ब्लॉक के अंदर फंक्शन आएगा वो आएगा x के टर्म में, ये जो हमने अभी लिखा था थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। तो देखो, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो x यहाँ पे दिया है ये एक वेरिएबल टर्म है जो हम इनपुट में दे रहे हैं, कोई भी इनपुट हो सकता है, बदल बदल के दे रहे हैं। तो एक्स यहाँ पे हमारा वेरिएबल हो गया, और जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमारी फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन एक बार अगर ले लिया इस ब्लॉक के अंदर तो वो फंक्शन हमारा फिक्स रहेगा, और एक्स की अलग अलग वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे तो एक्स हमारा वेरिएबल हो जाएगा और वाई हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग इस ब्लॉक के हिसाब से चेंज करेंगे। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज हम एक्स के टर्म में रखेंगे वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। जैसे ये तो अभी एग्जांपल के तौर पे हमने देखा, एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे पुट करके दिखाएंगे हम आपको। अगर मान लिया इस ब्लॉक के अंदर कोई भी फंक्शन हमारा, इस ब्लॉक के अंदर जो फंक्शन ले रहे हैं उसकी वैल्यू ऐसी है एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू, ठीक है। इस तरह की हमारी कोई फंक्शन की वैल्यू है इस ब्लॉक के अंदर जो हमने फंक्शन लिया है, तो एक्स हमारा वेरिएबल है क्योंकि एक्स की इनपुट की वैल्यू हम चेंज करेंगे बार बार, कोई भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन ये हमारा फंक्शन ब्लॉक के अंदर एक बार हमने पुट कर दिया तो इसके हिसाब से ये वैल्यू हमारी आउटपुट में मिलती जाएगी। मान लिया हमने एक्स की वैल्यू जब वन रखी तो हमारा फंक्शन वन पे मिलेगा फाइव इंटू वन माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। अब हम यहाँ पे इनपुट चेंज करेंगे, एक्स की वैल्यू दो रखेंगे, एक्स की वैल्यू दो रखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दो रखी तो फंक्शन हमें दो पे मिलेगा फाइव इंटू टू माइनस टू, ये मिलेगा एट। तो जो हमारा फंक्शन है ये यहाँ पे सेम रहेगा। तो फंक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक वेरिएबल हमारे पास है उसकी वैल्यू वेरिएबल रहेगी, और फंक्शन हमारा एक बार फिक्स कर लिया तो किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि फंक्शन हमारी वो चीज होगी जो किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड करेगी या दो वेरिएबल पर डिपेंड करेगी। अगर दो वेरिएबल वाला फंक्शन है तो दो वेरिएबल पर डिपेंड करेगी, लेकिन नीचे की क्लासेस में 12th तक की आप सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन पढ़ेंगे ज्यादातर। तो कोई हमारी एक वैल्यू ऐसी जो वेरिएबल वैल्यू हो उस पर कोई भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हो वो वैरी करता हो तो वो एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाता है। अब देखो, हमारा कोई भी एक्सप्रेशन है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस प्लस टू, इस तरह का कोई भी हमारा एक्सप्रेशन दिया, ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे जो एक्स है ये वेरिएबल है, एक्स की अलग अलग वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग अलग आएंगी। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो कुछ और हमें मिलेगा। तो ये जो हमारा होगा ये फंक्शन कहलाएगा इस एक्स का। तो जो हमारा एफ एक्स होगा ये फंक्शन कहलाएगा इस एक्स का, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखें एफ बाई, तो एफ बाई का मतलब ये बाई का फंक्शन होगा, तो यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा वो बाई के टर्म में आएगा। तो अगर मान लेते हैं हम साइन स्क्वायर बाई, तो यहाँ पे बाई हमारा वेरिएबल है, बाई की अलग अलग वैल्यू पे इस एफ बाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो
ये एफ वाई क्या कहलाएगा, इस वाई का फंक्शन कहलाएगा, और फंक्शन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर वाई। इसी तरह से अगर हम लिखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 5x + 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरह से हम इस तरह से लिखें टी एफ टी इज इक्वल टू 5t² + 2 sin t, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एक टी का फंक्शन है, ये एक टी का फंक्शन है, इस तरह से कहेंगे। चलो आगे एक और देखते हैं, अगर कोई भी एक्सप्रेशन एफ एक्स एफ टी करके ना दिया हो, ठीक है, इस तरह से दिया हो y = 5t² + 9t + 2, तो हम क्या कहेंगे, ये जो y है वो फंक्शन ऑफ t है, ये y है वो फंक्शन ऑफ t है, क्योंकि यहाँ पे t की अलग अलग वैल्यू रखोगे, 5, 9, 2 ये तो कांस्टेंट टर्म है, t की अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं हम, तो t एक वेरिएबल टर्म है, तो t की अलग अलग वैल्यू पे हमें इसकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी, तो ये जो y है ये t की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे इट इज अ फंक्शन ऑफ t, ये y जो है वो फंक्शन ऑफ t है। इसी y को हम लोग इस तरह से भी फिर लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t है तो y को हम लिख सकते हैं एफ टी, और ये हमारा है 5t² + 9t + 2 के बराबर। तो हमारा फंक्शन दुनिया में बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, साइन इनवर्स का फंक्शन होता है, साइन साइन एक्स का फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इस तरह से हमारे पास कई तरह के फंक्शन हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर। तो जिस वैल्यू पे वो जिस भी वेरिएबल पे डिपेंड करेगा फंक्शन, वो फंक्शन उसी वेरिएबल का फंक्शन कहलाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस पे फंक्शन पे, तो हम एफ एक्स अगर हमें दिया है तो उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसकी किस किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन अगर हमारे पास मान लिया एक सिंपल सा फंक्शन साइन एक्स है, ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स के साथ ये वेरिएबल है एफ एक्स, ठीक है, तो ये एफ एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है। अब इस एफ एक्स का हम क्या कर सकते हैं, आप अगर लिमिट पढ़ेंगे तो आप इसकी लिमिट भी निकाल सकते हैं। किस पे लिमिट निकालने के लिए हम एक वैल्यू फिक्स करते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू टेंड करता होगा, ये एक्स जो है वो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू टेंड करता होगा, उसकी तरफ भागता होगा, तो उस वैल्यू पे हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। दूसरा क्या निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं। तीसरा हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तीसरा इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें और भी रूल लगा सकते हैं कई तरह के, इसका लॉग भी ले सकते हैं। तो फंक्शन के साथ में हम बहुत सारी संक्रियाएं कर सकते हैं, जिससे कि हम, अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज साइन एक्स, तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल देना, इसकी लिमिट निकालना हो तो लिमिट आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स, तो इसकी लिमिट आप निकालना है कि एक्स जब जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा तब इसकी लिमिट निकाल देना, तब आपको लिमिट पता लग जाएगी। अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देना। अगर यही डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसकी लिमिट भी दे दी होगी, मान लिया 0 to π/2, इसकी अगर लिमिट दे दी तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे यूज करेंगे हम फंक्शन का यूज करके। तो आपका पहला चैप्टर ही 12th में होता है कि फंक्शन, फंक्शन के बारे में जान लो, आगे जितनी भी चीजें आएंगी, लिमिट निकालो, डिफरेंशिएशन निकालो, कंटिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, या इंटीग्रेशन निकालो, या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, तो सारे के सारे फंक्शन के भी बेस्ड होंगे। तो फंक्शन आप समझ गए होंगे उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय, ठीक है।